तो क्या था ना, जब फिलिप्स OTG हमने लॉन्च किया तो लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर लोगों को लगा यार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो अब हमने बड़ा फिलिप्स OTG लॉन्च किया है विद द सेम ऑप्टिटेम्प टेक्नोलॉजी और साथ में उसमें कन्वेक्शन भी है। तो उसकी लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बड़ा बनाना चाहिए ना। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और हम बनाते हैं सिकंदरी रान। सिकंदरी रान बनाने के लिए हमको चाहिए रान। भाई सिकंदरी रान इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि जो सिकंदर के साथ आए थे ग्रीक्स, उनको बड़े बड़े कट्स ऑफ मीट खाने का शौक था, तो इसलिए शायद बड़े कट्स ऑफ मीट जैसे रान का नाम पड़ गया सिकंदरी रान। और इसमें ऐसे होल कर लिया, होल करके जो फ्लेवर है वो अंदर चला जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से कट मार दिया क्योंकि ये सारे जो सिन्यूज हैं बाद में आपको तंग करेंगे, तो इसलिए यहाँ से इसको मार दीजिए कट। डन। अब बनाना है रान का मैरिनेशन। फर्स्ट मैरिनेशन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट छिलके समेत, नॉट टू मच, हाँ कड़वी हो जाएगी। और ये हो गया जी पहला मसाज। अब इस पहले मसाज के साथ इसको छोड़ देना है कम से कम आधा घंटा, घंटा भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो, क्योंकि जो पपीते की गलावट है ना वो गोश्त को जो है गलने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसको छोड़ दिया साइड। डन। जो कन्वेक्शन जो कुकिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इतनी खुशी खुशी रणवीर बोल रहा है कि कन्वेक्शन हो गया। कन्वेक्शन कुकिंग जो है वो इट्स लाइक द रोटेशन ऑफ एयर, हवा को रोटेट करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन कुकिंग। और ये जो कन्वेक्शन कुकिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब हवा रोटेट होती रहती है तो चीज़ बराबर पकती है। हवा जब गर्म हवा घूमेगी तो चीज़ बराबर से पकेगी। और दूसरी चीज़, कन्वेक्शन कुकिंग में जो मॉइस्चर है वो लॉक इन हो जाता है, तो रान उतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा। तीसरी चीज़, जब आप दम देते हैं या जैसे हम हिंदुस्तानी खाना पकाते हैं तो उसमें भी वो गर्म हवा घूमती है ना, तो वो नेचुरली कन्वेक्शन कुकिंग से घूमती है। तो ये हमारे ओवन में जी पंखा लगा हुआ है तो पंखे के साथ वो हवा घूमती है, जब भी आप कन्वेक्शन ऑन करेंगे तो पंखे का साइन आ जाएगा। अब इसके अंदर जो मैं डाल रहा हूँ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है 50% काली मिर्च और 50% बड़ी इलायची, और कुछ नहीं है इसमें। यानी कि आधी काली मिर्च लें, आधी बड़ी इलायची लें और उसको लाइटली टोस्ट करके पीसें, ज़्यादा नहीं टोस्ट करना है उसको, सिर्फ मैंने उसका पानी निकाला है, ठीक है जी। अभी ओवन को मैंने प्रीहीट कर दिया है, ठीक है। ओवन को पहले प्रीहीट कर लें 180 पे, लेकिन बाद में जब आप रान डालेंगे तो इसको 160-165 पे पकाना है एक घंटे के लिए। क्या है, लंबे समय तक पकनी चाहिए ना, बिकॉज इट्स अ बिग कट ऑफ मीट। अब देखिए जी आपके सामने मैं दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। ये है फर्स्ट मैरिनेशन, ये है सेकंड मैरिनेशन और ये है थर्ड मैरिनेशन, ठीक है। अभी जो सेकंड मैरिनेशन में ही डाल दिया भुने चने का बेसन, जो मीट है वो पकड़ ले, इसको बाइंडिंग बन जाए। ये अब इस मैरिनेशन के हमने कर लिए दो हिस्से। थर्ड मैरिनेशन में सिर्फ काजू का पेस्ट डालना रह गया, वो अभी डाल देंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले लैम्ब को लेना है जी, जो लैम्ब लग गया हमारी, आधे घंटे तक कम से कम छोड़ना है, एक डेढ़ घंटा है छोड़ दीजिए। देखिए कैसे मक्खन की तरह गल जाएगी एकदम, वो रॉ पपाया की वजह से। फंक्शन में गए, इसको रोस्ट मोड पे लाए, 165 टेम्परेचर किया, एक घंटे का टाइम सेट किया और रेडी। अब अपनी लैम्ब लेग का है जी मसाज नंबर दो। मसाज नंबर वन जो एक्स्ट्रा है वो थोड़ा निकाल लिया जाए। एक्स्ट्रा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा मसाज नंबर वन निकाल लिया। ये लो जी, अब ये हो जाएगा लैम का मसाज नंबर दो, मतलब मैरिनेशन नंबर दो। ये लो जी, ये वाला मैरिनेशन जो है वैसे नहीं करना एकदम पहलवानों की तरह, ये वाला जो मैरिनेशन है ना धीरे धीरे सहला सहला के लगाना है, ठीक है जी। अब ये आ गया ट्रे के अंदर। देखिए इतनी बड़ी रान अब आप घर पर बना सकते हैं जी अपने ओवन में, बताइए। फिर अच्छे से ढक दीजिए, ये सारा मसाला वैसे भी बह जाएगा बाद में, बट अपने लैम्ब को जूसी कर जाएगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। फिर थर्ड मैरिनेशन तो है ही अपने पास। अब इसको देना है ढक, ठीक है जी, ऐसे। और ऐसे उसको 165 डिग्री पे एक घंटे के लिए मोहब्बत से दम देना है, और आराम से कोई एक नई सी पिक्चर जो है वो शुरू कर लेनी है, और जब तक रान पकेगी तब तक पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं दूसरी बार भी पकेगी ना, तो डेढ़ एक घंटे की पिक्चर आप ऑन कर सकते हैं। एंड नाउ वी वेट। ऑलमोस्ट डन।
अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही हम रान निकालेंगे वैसे ही रान को तीसरे मैच में डालने के लिए टेम्परेचर को 200 कर देंगे, ठीक है? 4 3 2 ओहो, ये मामला सुपर टेस्टी है जी। अभी इसको करना है ब्रॉयल पे, टेम्परेचर करना है, टाइम करना है सिर्फ 12 मिनट, 12 से 15 मिनट, टेम्परेचर करना है 200, चलिए 15 मिनट कर देते हैं और स्टार्ट। ब्यूटीफुल। अभी क्या करना है, ऑलमोस्ट पक चुका है यार, 90-80% पक चुका है, ये देखिए, और पपीते की वजह से देखिए कैसे गल गया है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। अभी ये वाली बोन जो है वो अलग कर लेनी है, बड़ी वाली जो बोन है उसको अलग कर लेना है, यहाँ पे एक जॉइंट होता है। लुक एट द टेस्टी मीट, ये लीजिए, बोन जितना अच्छे से साफ कर सकते हैं कर लीजिए और बोन को रख लीजिए साइड। इसके बाद बड़े ध्यान से गरम है ये जो गोश्त है, ये गोश्त आप ऐसे करके काट लीजिए, ऑलमोस्ट डन ना, मतलब बहुत अच्छा गला है, हमारे लखनऊ की गलावट जहाँ पड़ जाती है ना, मतलब कच्चा पपीता, वहाँ पे गोश्त ऐसे अपने आप हड्डी छोड़ देता है, ध्यान से हाँ, मतलब डोंट ट्राई दिस एट होम वाला सीन नहीं है कि भाई रणवीर को तो गरम गरम खाने को संभालने की आदत है, आप प्लीज़ अपने हाथ ना जलाएं, ऐसे बेसब्रे ना हो मेरी तरह, ठंडा होने दें, कोई बात नहीं। ये लीजिए, अब सारा गोश्त निकाल लिया, छोड़ना कुछ नहीं है, इतनी मेहनत से बनाया है, ये देखिए हड्डी वड्डी सब खुरच लीजिए, ये लीजिए सारा गोश्त निकाल लिया। अब इस गोश्त को पुल कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए इसके, देखिए हाथ से ही कर लीजिए, ये लीजिए, क्या सही गला है ना। देखिए अगर आपको लगता है ज़्यादा समय लगेगा तो आप 75 मिनट के लिए भी डाल सकते हैं, 1 घंटे 15 मिनट के लिए भी डाल सकते हैं, घंटे भर बाद चेक कर लें गोश्त को दबा के, अगर आपको लगता है कसर है तो 15 मिनट और पका लें, 15 मिनट बहुत है, 1.25 घंटा बहुत है 165 पे। अब जो भी मैरिनेशन गोश्त में लगा हुआ है ना उसको ट्रे के अंदर जितने जूसेस निकले हैं सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वेस्ट, असली मामला तो ट्रे के अंदर है, वेस्ट कुछ नहीं करना, ये लीजिए हो गया मिक्स। और अब बारी है जी थर्ड मैरिनेशन, थर्ड मैरिनेशन के लिए काजू पेस्ट, फिर पुदीना, ठीक है जी, सब कुछ मिलाया गया और छोड़ना कुछ नहीं है भाई, सारा टेस्ट पूरी ट्रे में है, सफा चट। उसके बाद फ्राई प्याज, ये फ्राई प्याज ऑप्शनल है, अगर ब्राउन प्याज है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है जी। ये अब आपने रान को वापस मिला लिया, अब तो बहुत ही सिंपल है, अब ये आपने उस रान को वापस से ऐसे बना लिया, ये देखिए आह, ये लीजिए। और बस वो थर्ड मैरिनेशन थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया तो जो थोड़े बहुत गैप थे वो भर गए, यार परफेक्ट, ओवन भी रेडी है जी, चक्को भी रणवीर बराड़, वापस से टाइम सेट करो 15 मिनट, 200 डिग्री स्टार्ट और ब्यूटिफुल, एंड नाउ वी वेट। इंतज़ार नहीं हो रहा ना, मेरे से भी नहीं हो रहा, 5 4 3 2 ओए होए, बस थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखानी है, छेती नहीं करनी। आह ब्यूटी, पता है क्या है, ब्यूटी है सरसों का तेल, लैम जो है उसको स्ट्रांग मैच चाहिए होता है, तो
सरसों का तेल अच्छी बॉक्सिंग करता है लैम के साथ, स्ट्रॉन्ग मीट है ना लैम। अब जो है ये मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो जो भी सबसे बड़ी करछी है उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टूटने का चांस है तो एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन बताऊँ, बेकिंग ट्रे पे सर्व कर दीजिए, आजकल फैशन में है। देखिए एक ज़माना होता था जब यहाँ पर लोग सिल्वर फॉयल लगाते थे, सिल्वर फॉयल लगा के उसका फूल बनाते थे। आजकल लोग कहते हैं यार प्लेट पे कुछ डालना है तो खाने वाला डालो ना, ये फॉयल वॉयल क्यों डालनी है, तो इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। और ये जो रोगन है ना, ये गिरने दीजिए, इसी का जायका है। और जो ट्रे में बचा हुआ है उसके पीछे लड़ाई होती है, फेंकिएगा मत। तो भाई सिकंदर तो नहीं रहे लेकिन उनकी रान है, और उनकी रान को सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ शाही करने के लिए ये गया सिल्वर लीफ, चांदी वरक। ये हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है तो इसलिए मैं कंजूसी से लगा रहा हूँ, आप बिंदास लगाइए। हल्का सा लेमन जूस। अब बताओ जी, कौन कहता है कि सेलिब्रेशन के लिए बड़े बड़े ओवन चाहिए, बड़े बड़े कट्स पकाने के लिए बड़े बड़े ओवन चाहिए। बड़ा ओवन आ गया ना अब, डू ट्राई द रेसिपी। और हाँ, और बहुत सारी रेसिपीज आने वाली। Innovation and you, Philips.